हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टाइल टिप शेयर करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर जो अनबॉक्स कर रही हूँ वो है वेनस ब्रीज हेयर रिमूवल रेजर, जो कि जेलवार के साथ आता है। और मैं यहाँ पर पूरा आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और वन वीक के बाद इसको यूज़ करने के बाद हेयर ग्रोथ कितनी होती है, क्या होती है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको कितने दिन के डिफरेंस में यूज़ करनी चाहिए ये सारा भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक लैमिनेट जैसा पतला सा प्लास्टिक है, उसको हम निकाल लेते हैं। और फिर निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस पतला सा एक प्लास्टिक था, उसको निकाल दिया। तो अभी इसको खोल देते हैं। ये इस तरह से आता है, एक हैंडल और इसकी जो ब्लेड्स होती है वो अलग से आते हैं। ये जो वेनस ब्रीज लिखा हुआ है इसमें है ब्लेड्स, तो ब्लेड्स निकाल लेते हैं। और ब्लेड्स निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ये बिल्कुल अच्छे से दे दें, आप एक हाथ से खोल सकते हो जैसे मैं खोल रही हूँ। तो इसके अंदर ये ब्लेड्स, और ये ब्लेड्स को हमें लगाना है, ये जेल बार के साथ है। और ये बिल्कुल बहुत ही सोप जैसा लगता है, मतलब बहुत ही मॉइस्ट बोल सकते हो आप, ये बिल्कुल मॉइस्चराइज भी करता है ऐसा लगता है। तो इसके ऊपर ही इसको लगाना है ब्लेड्स को, बस ये हो जाएगा इजीली। तो फिर अभी हम इसको यूज़ करते हैं। आप इसको यहाँ से चाहो तो निकाल सकते हो, पर निकालना नहीं है, एक बार लगाने से ये बिल्कुल लॉक हो जाता है। इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी सोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा ही पानी आप डाल दो जहाँ आपको रिमूव करना है हेयर, और हेयर जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में हमको रेज़र को नहीं चलाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेज़र को चलाना है। तो मेरा हेयर ऐसे डाउनवर्ड्स तरफ गया था, तो मैं अपवर्ड्स की तरफ ये रेज़र से रिमूव कर रही हूँ हेयर। देखिए, सिर्फ पानी थोड़ा सा लगाना होता है। और हेयर रिमूव करने के बाद जब हेयर्स थोड़े रेज़र पे लग जाते हैं तो रेज़र को पानी में डुबो के आप साफ़ कर सकते हो, या फिर टैप थोड़ा खोल के भी उसको साफ़ कर सकते हो। और फिर इस तरह से पानी डाल के धो दो, देखिए ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साथ ही में ये जो जेल बार है ना, वो बिल्कुल सोप जैसा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा जेल, बिल्कुल अब जेल बार है तो बिल्कुल जेल जैसा ही लगता है, बहुत स्मूथ होता है। और ये इतनी फ्लेक्सिबल भी है, देखिए इस जगह पे अगर आप कर रहे हो ना तो वो बिल्कुल अप एंड डाउन होके हो रहा है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस पानी थोड़ा सा लगाना है और फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेविंग करना है, जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन ही करनी है। देखिए ये वाला हैंड और दूसरी हैंड में आपको दिखा रही हूँ। और सेविंग करने के बाद आप तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी डेड सेल्स है और थोड़ी सी ब्लैक दिख रहा है तो आप इस तरह से कोई भी स्क्रब लेके उसको बस थोड़ा सा हाथ में पानी लेके स्क्रब कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एवरयूथ का स्क्रब यूज़ किया है, तो उसको लगा के मैंने स्क्रब कर लिया और फिर उसके बाद धो दिया तो बिल्कुल हाथ साफ़ हो गया। इससे बहुत सारा डेड सेल्स जो होते हैं हाथ से वो निकल जाता है। स्क्रब के तुरंत बाद ही हमें इस पर अप्लाई करनी है मॉइस्चराइज़र, जो भी मॉइस्चराइज़र आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो बॉडी पे वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप्स, तो मैं इसको लगा देती हूँ। और लगाने के बाद ना आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइनी शाइनी लगेगा। और साथ ही में जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड ईजी लगा और आपको लगा कि ये इफ़ेक्टिव है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि वन वीक के बाद ये कैसे दिख रही है, वन वीक के बाद कितनी हेयर ग्रोथ हुई है। तो आप देख सकते हो वन वीक के बाद बहुत ही ज़्यादा कम हेयर ग्रोथ हुई है। तो आप इसको 15 से 20 दिन के डिफरेंस में ही यूज़ करिए, ज़्यादा यूज़ मत करिए, ख़राब होता है। कोई भी चीज़ की एक्सेसिव यूज़ हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो आप 15 से 20 दिन के अंदर ही करिए, ज़्यादा यूज़ मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट गो फॉर वॉक्सिंग, दैट इज़ सो पेनफुल। रेजर इज